विवाद और मुद्दे क्यों उठते हैं, कहीं जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए तो विवाद पैदा नहीं किए जाते। इज एनीथिंग द मैटर? देन द बुक्स मिस्टर सहाय, प्लीज टेक देम टू मिशेल। अमिताभ के ब्लैक को रिलीज हुए सालों बीत चुके हैं। हाउ डू आई गो आउट? फिल्म का संवेदनहीन ट्रीटमेंट और बनावटी एक्टिंग के बाद आमिर को अब याद आ रही है। बिग बी के मुताबिक आमिर ने ब्लैक के रिलीज के वक्त खुद उनसे नापसंदगी जाहिर की थी। तब एतराज किसी और बात पर था। रानी फिल्म में देख, बोल और सुन नहीं सकती, जबकि पर्दे के पीछे से रानी अपनी आवाज में अपनी कहानी सुनाती है। आमिर को इसी पर एतराज था। अमिताभ का कहना है कि वो आमिर की दलील का मतलब आज तक नहीं समझ सके हैं। अगर कोई समझ सकता है तो उन्हें भी समझा दे। जो बातें आमिर ने कभी बिग बी से निजी मुलाकात में कही थी, अब उससे कहीं ज्यादा और खुलकर बोल रहे हैं। सवाल ये है कि इतनी देर बाद क्यों बोल रहे हैं? कहीं वजह पब्लिसिटी तो नहीं? रिलीज से पहले जबरदस्ती के मुद्दे और विवाद से अच्छी खासी पब्लिसिटी मिलती है, दर्शक भी बॉक्स ऑफिस तक चले आते हैं। तारे जमीन पर की स्क्रिप्ट राइटर अमोल गुप्ते से पहले ही आमिर का विवाद हो चुका है। अमोल फिल्म का डायरेक्शन खुद करना चाहते थे। विवाद सच है या पब्लिसिटी स्टंट, वही दोनों जानते हैं। ताजा रिलीज गोल इस मामले में सबसे ताजा मिसाल है। बिपाशा से ब्रिटेन में शूटिंग के दौरान नस्ल भेदी बरता हुआ था। कुछ गोरों ने शूटिंग के दौरान उन्हें और अरशद वारसी पर नस्ल भेदी फब्तियां कसी। सवाल ये है कि मीडिया और ब्रिटिश सरकार को उसी वक्त क्यों नहीं बताया गया? रिलीज के वक्त मुद्दा फिर से क्यों छेड़ा गया? दिवाली पर सांवरिया और ओम शांति ओम की रिलीज के मौके पर भी यही सब देखने को मिला। थैंक्स वेरी मच। सोनी पिक्चर्स की सांवरिया को किंग खान ने अमेरिकी फिल्म कह दिया। संजय लीला भंसाली ने भी ओम शांति ओम को भला बुरा कहा। धोनी और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी की अफवाह भी तभी आई। जब वी मेट की रिलीज के वक्त ही करीना और शाहिद के रिश्ते टूटने की खबर आई। कहा गया कि करीना ने सैफ से नाता जोड़ लिया। दोनों आने वाली फिल्म टशन में साथ हैं। शाहिद करीना ब्रेकअप का सच शायद टशन के रिलीज तक साफ हो जाए। जाहिर है रिलीज के वक्त विवाद और जबरदस्ती के मुद्दे उछालना नई बात नहीं है। कई बार हकीकत भी पब्लिसिटी के खेल का हिस्सा समझ ली जाती है। अमिताभ और आमिर की लड़ाई के सच पर भी फिलहाल सस्पेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और अपनी दुनिया में रहने वाले आमिर खान जब जब अपनी दुनिया से बाहर आते हैं, विवाद उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस बार भी बहुत दिन के बाद आमिर मीडिया और पब्लिक के सामने आए। आते ही विवादों में फंस गए, वो भी बिग बी के साथ। पब्लिक और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने वाले आमिर की शख्सियत का ये पहलू काफी दिलचस्प है। आमिर की डायरेक्शन वाली पहली फिल्म तारे जमीन पर दिसंबर में रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर दिन रात एक किए हुए हैं। सार्वजनिक समारोह से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक आमिर दिख रहे हैं। फिल्मों के रिलीज के वक्त यही होता है, आमिर एकांतवास से निकलकर सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देने लगते हैं। कुछ महीने पहले यही आमिर ढूंढने नहीं मिल रहे थे। करवट बदल कर नाजुक से मोती। हाल ही में छोटे भाई फैसल से विवाद अदालत पहुंचा। आमिर भारी सिक्योरिटी के साथ कोर्ट पहुंचते। निजी गार्ड्स मीडिया को हमेशा दो हाथ के फासले पर रखते थे। फिल्मों के रिलीज के वक्त ये बात नहीं होती। रंग दे बसंती भी मिसाल है। आमिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के हक में दिल्ली में जमकर बोले। विवाद में भी फंस गए। अरुंधति राय ने कह दिया, पहले कोला कंपनियों का विज्ञापन छोड़ो, फिर गरीबों की बात करो। आमिर भरसक कोशिश करें लेकिन विवाद में फंस ही जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी से विवादों में फंस चुके हैं। मीडिया और पब्लिक से ये लुका छुपी चलती रहती है। कई बार मीडिया को सलाह भी दे चुके हैं, किसी के निजी मामलों को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए। खुद अपनी प्राइवेसी को लेकर वो बेहद खबरदार हैं, यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी नहीं रखते।
मोबाइल फोन को वो निजी जिंदगी में घुसपैठिया मानते हैं। शेखर त्रिपाठी।